The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Like, gluten sensitivity के बारे में बहुत important informations जो सबसे जरूरी चीज आपको जाननी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आप wheat या gluten या बारली ऐसी चीज gluten से एलर्जी रखते हैं तो फिर आपको एक टेस्ट करना होगा जिसका नाम है एंटी टी टी जी एंटीबॉडी ये ग्लूटन के खिलाफ आपकी बॉडी अगर एंटीबॉडी बना रही है एलर्जिक रिएक्शंस पैदा कर रही है तो उसको पकड़ने का टेस्ट है एंटी टी टी जी एंटीबॉडी आपके अंदर अगर हाई है तो फिर उसमें यह दिक्कत है 98 परसेंट लोगों में जिनको सीलियाइट डिजीज होता है उनको एंटी टी एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है सो एंटी टी टी जी एंटीबॉडी टेस्ट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है सीरोलॉजी टेस्ट है जो आप टेस्ट कर सकते हैं ग्लूटन सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए और जैसा हमने बताया था जेनेटिक टेस्टिंग भी है एच एल ए डी क्यू टू एच एल ए डी क्यू एट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिंग में आप इट इज इंपॉर्टेंट टू बी टेस्टेड फॉर सीलेक डिजीज बिफोर आप एक ग्लूटन फ्री डाइट ट्राई करें कि ऐसा हो गया अगर आप ग्लूटेन ख़त्म कर दिया अपने अपने डाइट से आपने ग्लूटेन खाना बंद कर दिया एक हफ्ता हो गया दो हफ्ता हो गया तो आपकी बॉडी को वो एंटीबॉडी बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपके अंदर वो आ ही नहीं रहा तो एंटीबॉडी बनाएगा नहीं तो टेस्ट भी नेगेटिव आएगा आपको लगेगा मेरे को तो ग्लूटन एलर्जी है ही नहीं ऐसा नहीं सो so, नॉर्मल खाना खाते हुए वीट बाजरा जो भी खाते हो खाते हुए जाके अपना ग्लूटन सेंसिटिविटी का टेस्ट कराएं और तब पता चलेगा भाई आपको ग्लूटन एलर्जी है कि नहीं है डिजीज के जैसा मैंने कहा अंदर की टेस्ट के लिए आपको एंडोस्कोपी करानी होगी जिसके लिए आप गैस्ट्रो एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे कैप्सूल एंडोस्कोपी भी होती है जिसमें अंदर से टिश्यूज के कैप्सूल एंडो, नॉर्मल एंडोस्कोपी में टिश्यू से बायोप्सी भी ले सकते हैं <coughs> और देखा जा सकता है प्रॉब्लम विथ इज नॉर्मल एंडोस्कोपी में इंटेस्टाइन का एक पर्टिकुलर पार्ट part नहीं देखा जा सकता कैप्सूल एंडोस्कोपी में सारा का सारा देखा जा सकता है सो देर इज दैट और उसके अलावा ट्रीटमेंट लाइक आई साइड ग्लूटन एलर्जी है तो ग्लूटन वाली चीज़ें अवॉइड करनी होंगी स्ट्रिक्ट एंड लाइफ लॉन्ग ग्लूटन फ्री डाइट इज़ द ओनली वे टू मैनेज एक्चुअल पीपल विथ सीलेक डिजीज जिनको सीलेक डिजीज़ है एन टी टी जी पॉजिटिव है उनको ग्लूटन फ्री डाइट लेनी पड़ेगी मतलब कोई भी ऐसी खाद्य पदार्थ कोई भी ऐसी खाने पीने की चीज़ जिसमें ग्लूटन है जैसे कि बार्ली गेहूँ बुलगर जैसे कि राई, राई, अपना माल्ट अपना वीट गेहूं के कोई भी पौ, पौ, किसी भी टाइप का गेहूं सब बंद करना पड़ेगा और कई बार आपको ग्लूटन फ्री डाइट में ग्लूटन हिडन ग्लूटन से भी बचना पड़ेगा हिडन ग्लूटन यानी ग्लूटन कई बार मेडिकेशन में नॉन फूड प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव्स में फूड स्टेबलाइजर्स में छिपा होता है जैसे कि फूड स्टार्च होते हैं मॉडिफाइड कई बार फिलर्स डाल देते हैं दवाइयों में मिनरल्स में मल्टीविटाम्स में हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में कई बार लिपस्टिक वाले प्रोडक्ट में कई बार टूथपेस्ट माउथवॉश में ऐसी चीज़ों में हिडन रह सकते हैं थोड़ा बहुत ग्लूटन जिससे भी आपको एलर्जी हो सकती है तो कोशिश करें कि हर चीज़ मिनिमम इंग्रेडिएंट वाली हो और प्योर चीज़ें लें और अगर किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है तो ढूंढने की कोशिश करें कि इससे है इसको हटाएं सो so, <coughs> जैसे जैसे आप ग्लूटेन को अपनी डाइट से हटा देंगे धीरे धीरे आपकी इन्फ्लॉमेशन कम होती जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन हील होता जाएगा आपको बेटर फील होता जाएगा और हील होने के बाद आप नॉर्मल लाइफ जी पाओगे बच्चों में जल्दी हील हो जाता है बड़ों में टाइम लगता है अब याद रखिए जैसे हमने कहा था ग्लूटेन एलर्जी वाले केसेस में एब्जॉर्बन प्रॉब्लम होता है सो आपको एनीमिया भी होगा खून की कमी भी होगी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होगी सिवियर भी हो सकती है तो ऐसे केस में आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे कौन कौन से सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे आपको कॉपर फोलिक एसिड आयरन वाइटामिन बी पूरा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन डी विटामिन के और जिंक ये मेन सप्लीमेंट्स हैं जो लेने चाहिए इसको आप यूजुअली एक पर्टिकुलर पिल के फॉर्म में ले सकते हैं लेकिन अगर एब्जॉपशन में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर कई बार डॉक्टर्स आपको इसके कुछ इंजेक्शन भी लगा देंगे याद रखो वाइटामस इंपॉर्टेंट है बॉडी के फंक्शन के लिए सो फॉलो अप करना भी ज़रूरी है डॉक्टर के पास रेगुलरली जाना अपने ग्लूटेन फ्री डाइट के अलावा कितना रिस्पांस आ रहा है नहीं आ रहा है डॉक्टर से बात करनी कई बार जैसे बताया एक के साथ दूसरी बीमारी जुड़ी होती है ग्लूटेन एलर्जी के अलावा आपको सीबो बैक्टेरियल बैक्टेरियल ओवर ग्रोथ हो सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन ओवरग्रोथ और हो सकता है आपको आई बी एस हो और बहुत सारी ऐसी बीमारियां साथ में हो सकती है ऐसा तो है नहीं एक बीमारी दूसरी नहीं हो सकती दर इज नथिंग लाइक दैट सो यू हैव टू बी इन फॉलो अप विथ योर डॉक्टर मोस्ट पीपल आराम से हील हो जाते हैं और लंबे समय तक हील रहते हैं जो लोग हील नहीं होते उनको फिर दवाइयां देनी पड़ती है मेडिकेशन देनी पड़ती है इंटेस्टाइन को हील करने के लिए छोटे आंत को सीवियरली डैमेज हो जाने के बाद हील करने के लिए कई बार स्टीरॉयड्स भी देने पड़ जाते हैं इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर कुछ और दवाएं आती हैं जो कि जैसे कि एजाथियोप्रीन ब्यूटोसोमाइड ऐसी दवाएं भी आती हैं और अगर मान लो स्किन में कोई प्रॉब्लम है जैसे हमने कहा स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है डर्माटाइटिसपेटर्टपिटीफॉर्मिस उसके लिए फिर कई बार डैपसोन या दवाइयाँ ऐसी लेनी पड़ती हैं जो स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है राइट डॉक्टर उसके लिए स्किन डॉक्टर आपको देखेंगे और अगर कहीं रिफ्रैक्ट्री सीले एक डिजीज़ है मतलब आपका चलो आपने ग्लूटन हटा दिया फिर भी कुछ लोगों में जो डैमेज हो चुका है इंटेस्टाइन के सीलिया में वो हील ही नहीं होता सो so, ये इसको कहते हैं रिफ्रैक्ट्री डिजीज़ तो ऐसे केस में देन आपको एक स्पेशलाइज्ड सेंटर में इवेल्यूशन की ज़रूरत है कि भाई ये क्या है एग्जैक्टली exactly यही है या नहीं उसकी अंदर जाके बायोप्सी लेनी पड़ सकती है और रिफ्रैक्ट्री सीलिया डिजीज, एक डिजीज़ एक सीरियस बीमारी है उसमें दिक्कतें बढ़ भी सकती हैं और क्वाइट फ्रेंकली ऐसा कोई प्रूवन तरीका नहीं है कि उसको पूरी तरह ठीक हो जाए कई बार फिर उसके साथ ही जीना पड़ेगा रेगुलर इंजेक्शंस के साथ रेगुलर फॉलोअप के साथ सो so, याद रखिए आप कुछ लाइफ चेंजेस कर सकते हैं जितनी भी ग्लूटन फ्री चीज़ें हैं उनको हटा सकते हैं जितनी भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे बियर्स uh, और माल्ट विनेगर्स इनमें भी दिक्कत हो इसमें भी ग्लूकज ग्लूटन हो सकता है तो रीड लेबल्स लेबल अच्छे से पढ़ना है और जिस पे लिखा है ग्लूटन फ्री उसको यूज़ करें ना कि कोई भी सीरियल पास्ता बेक्ड गुड पैकेज्ड फूड राइट कोई भी कैंडी कोई भी सैलेड ड्रेसिंग सॉसेजेस कोई भी सालन कोई भी सूप ऐसी सारी सीजनिंग स्नैक फूड्स राइट पोटैटो चिप्स टॉर्टिलाज राइट अपने नाचोज इन सब में ग्लूटन हो सकता है लेट मी टेल यू सम थिंग्स जो आप फ्रीली खा सकते हो वट आर द गुड अवॉइड फूड्स देखो प्योर uh, ओट्स वैसे कायदे से तो ग्लूटन फ्री होते हैं लेकिन ओट्स में कई बार वीट की कंटेमिनेशन हो सकती है ग्रो इन ग्रोथ के साथ सो so, इसलिए खाओगे ओट्स तो थोड़ी मात्रा में खा के ट्राई करना उसके बाद में एग्स नॉन वेज एग्स मीट फिश पोल्ट्री इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये खा सकते हैं फ्रूट्स खा सकते हैं दालें खा सकते हैं ज्यादातर लोग डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हैं दूध दही पनीर लस्सी छाछ अगर वो साथ में लैक्टोस इंटॉलरेंस ना हो नट्स खा सकते हैं नट्स आप खा सकते हैं पोटैटोज आप खा सकते हैं वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं वाइन या डिस्टिल्ड लिक्वर ले सकते हैं उसके अलावा कुछ टाइप के ग्रेन्स uh, भी कुछ लोग खा सकते हैं सब नहीं खा सकते पर आप ट्राई कर सकते हो आपको ये जमरे नहीं जमरे जैसे कि कॉर्न और बकवीट आमरथ कई बार ग्लूटन फ्री आटा आता है चाहे राइस का हो सोए का हो कॉर्न का हो बीन का हो राइट और कियोना है कुछ प्रकार के राइस या वाइल्ड राइस भी ग्लूटन फ्री आराम से मिल जाते हैं टपियोका है तो so, ऐसी चीजें आप ट्राई कर सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गेट योर सेल्फ एजुकेटेड जितना एजुकेशन लोगे जितना पढ़ोगे इस बारे में नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम यूजलेस वेबसाइट फ्रॉम यूजलेस पीपल ना कि नुस्खे करने लग गए कि ये मिला ये मिला है दो दिन में लिखित में देता हूँ चार दिन में ठीक फालतू चीजें मत करना फालतू की इंटेंसन फालतू की चीजें अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट मत करना राइट रीड फ्रॉम गुड वेबसाइट्स रीड फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस नॉट पीपल हु डोंट हैव एनी मेडिकल बैकग्राउंड्स राइट सो रीड फ्रॉम वेबसाइट्स लाइक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन मेडलाइन प्लस यू कैन रीड फ्राम मे ओ यू कैन रीड फ्रॉम फ्राम एफ डी ए फ्राम डब्ल्यू एच ओ ऐसी वेबसाइट्स पर जाके रीड करो सो यू विल गेट प्रॉपर एजुकेशन सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट ग्लूटन प्लीज लाइक द वीडियो प्लीज शेयर द वीडियो प्लीज शो योर लव शो योर सपोर्ट वी आर डूइंग माई आर पार्ट आपको अपना थोड़ा करना है ताकि ये जानकारी सब तक पहुँचे सही जानकारी पहुँचे सही लोगों के पास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थैंक यू सो मच गाइज स्टे कनेक्टेड एंड से हेल्दी